बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद हारिस खान बर्की है। अल्लाह के फजल से लाखों का सेकेट्रिक और सेक्शन को छूँ। पिछले दिनों कराची में एक हमारी कॉन्फ्रेंस थी WPA की, वर्ल्ड सेकेट्रिक एसोसिएशन। वहाँ मेरा पेपर था। वहाँ एक मीटिंग में एक था कि हम एंटी डिप्रेसेंट के अलावा क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो 30% तक प्रॉपर रिस्पॉन्स करता है टू द एंटी डिप्रेसेंट, 50% पार्शली कर रहा होता, फिर बाद में इसकी एफिकेसी बड़ी डाउटफुल हो जाती है। तो हम सोच रहे थे कि मजीद क्या कंपाउंड्स हैं जो हम ऐड ऑन करें तो इनकी एफिकेसी बढ़ जाए और ताकि हमें रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे मिले। तो मुख्तलिफ किस्म की मैंने भी प्रपोजल्स दी, उसमें मैंने हल्दी का बताया, ट्यूमेरिक का कि ये ऐड कर लें, ठीक हो गया। तो फिर मैंने एक वहाँ प्रपोजल फॉरवर्ड की कि क्यों ना हम हर पेशेंट जो मेल है उसको हम वायग्रा देना शुरू हो जाए। तो सारे जो साइकेट्रिस्ट थे वो हंसना शुरू कर दिया उन्होंने, तो मेरी तरफ एक मानी खेस नज़रों से कि हारिस बर्की, सेक्स के अलावा तुम्हारी सुई वहीं अड़ी हुई है, साबित करो किस तरह वायग्रा काम कर सकती है एक डिप्रेशन के पेशेंट में। तो मैंने फिर एक्सप्लेन किया कि मैं ये मानता हूँ कि वायग्रा जो है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, यानी कि वायग्रा जो है ये दिमाग के अंदर नहीं जाती। जो चीज़ दिमाग के अंदर नहीं जाती तो वो फिर डिप्रेशन को कैसे ट्रीट करेगी। बात तो बिल्कुल लॉजिकल थी। तो फिर मैंने इनडायरेक्टली साबित करने की कोशिश की इस तरह से, मैंने ये बताया है कि वायग्रा लेने से इंसान का सेक्सुअल फंक्शन तो इम्प्रूव हो जाएगा, उसकी इरेक्शन जो है वो बेहतर हो जाएगी, और उसमें कोई शक नहीं है बेहतर होती है। इवन डिप्रेस बंदे भी रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं वायग्रा को अफेक्ट को। तो उससे क्या होगा कि जब इंसान अपना प्लेयर का लेवल उसका बढ़ेगा तो उसके स्ट्रेस का लेवल कम हो जाएगा, जिसमें कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी डिप्रेशन को कम करने में। लेकिन उससे भी बढ़ के फिर मैंने मज़ीद आर्गूमेंट्स दिए कि जब आप ज़्यादा सेक्स करेंगे तो हर सेक्स का एंड जो है वो ऑर्गेज्म है। तो जब ऑर्गेज्म को हम देखें गौर से, ये बड़ा मिलता जुलता फिनोमेना है जो कि हम सेकेट्री में ECT को कहते हैं। वो कहते हैं बिजली के झटके लगाते हैं, और आपको बताऊं बिजली के झटके जो हैं अभी तक जो सबसे ज़्यादा शदीद डिप्रेशन होता है जिसमें बंदा खुदकुशी कर लेता है, या साइकोटिक डिप्रेशन होता है, यानी कि जो शदीद तरीन शक्लें होती हैं जहाँ एंटी डिप्रेशन को वो लिफ्ट नहीं कराता, ठुटे मार के निकाल देता है वो डिप्रेशन जो है एंटी डिप्रेशन को, कहता चल अपना रास्ता पकड़ो, वहाँ पर ECT काम आता है। तो बड़े गौर से देखें तो पता ये चलता है कि आपका जो ऑर्गेज्म है ये एक मिनी ECT होता है। ब्रेन में चेंजेस वैसे ही आ रही होती हैं जैसे ECT में आ रही होती हैं, लेकिन मज़े की बात यह है कि ECT इंतहाई तकलीफ दे होता है, और जबकि ऑर्गेज्म जो है ये इंतहाई प्लेयरेबल होता है, इसमें तो मज़े ही और होते हैं, इसमें सुरूर ही होते हैं, इसके पीछे लोग सल्तनतें ख़त्म कर देते हैं कि ऑर्गेज्म पे ऑर्गेज्म देते जाओ। वो आपने चूहे वाली स्टोरी तो सुनी होगी, स्टोरी नहीं है, तजर्बा था। एक चूहा था, उसको ट्रेन किया गया कि जनाब ये लिवर प्रेस करोगे तो तुम्हें खाना मिलेगा और दूसरा लिवर प्रेस करोगे तो तुम्हें ऑर्गेज्म मिलेगा। तो आपको पता क्या हुआ था, तीसरे दिन चौथे दिन चूहा मर गया था। क्यों मर गया था बोला, वो खाने वाला लिवर प्रेस ही नहीं करता था, वो हमेशा जाता था और जाके ऑर्गेज्म वाला
लीवर प्रेस करता था. सो मैं बता रहा हूं कि ऑर्गेज्म का जो मजा है, जो सुरूर है, वो किस हद तक ज्यादा होता है. जब वो ऑर्गेज्म इंसान को मिलता है तो सेरोटोनिन, डोपामीन, ऑक्सीटोसिन और फिर आपके ओपियाइड्स, नेचुरल रिसेप्टर, ये बहुत तादाद में निकलते हैं जो इंसान की बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं. और ये तीनों या चारों वो चीज़ें हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट रखती हैं. और कमाल का एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट इनमें होता है. डोपामिन, सेरोटोनिन, आई मीन आपको आम कम ऐसे मेडिसिन मिलती हैं जो सब कुछ इकट्ठी चीज़ें आपको प्रोवाइड करें. आपने SSRI का नाम सुना होगा कि खाली सेरोटोनिन पे काम कर रही है, डोपामिन वाली का नाम सुना होगा. मतलब आमतौर पर मैंने ऐसी मेडिसिन कम ही हैं जो सारे के सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि एंटी डिप्रेसेंट इफेक्ट रखते हैं वो इकट्ठे निकलते हैं और ये ऑर्गेज्म में निकलते हैं. जब वाइग्रा दी उन्होंने, फिर ये तजर्बा भी हुआ. कोई मेरे जैसा था कोई सिर फिरा, उसने ये काम शुरू कर दिया, लाओ जी दो जी व्याकरा. और फिर उनका डिप्रेशन का लेवल उन्होंने दोबारा चेक किया और ज़्यादातर का डिप्रेशन लेवल कम हुआ था. फिर ये एक्सप्लेनेशन उन्होंने बताई थी कि जनाब वाइग्रा जो यहाँ भी काम आ जाती है. तो ये बात मैंने कहा चलो ये भी हमारे लोगों को एक इन्फॉर्मेशन होगी कि वाइग्रा के और बड़े इस्तेमाल हैं. मैंने आपको पता ही है कि ये हार्ट के मरीज़ों में भी काम आती है, ये प्रोस्टेट के मरीज़ों में भी काम आती है, लंग्स के में भी काम आती है. तो जनाब ये डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए भी काम आ सकती है. वैसे मैं वाइग्रा का एजेंट नहीं हूँ लेकिन रिसर्च है पुरानी. तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन प्रेस करें. खुश रहें, खुशियाँ बांटें, डॉक्टर बर्की को इजाज़त दें. अल्लाह हाफिज़.